मैं वो दिन याद करती हूँ जब मुझे अपना ज्ञान मिला और शब्द था आत्मा, आत्मा इस शब्द के अंदर भरा हुआ रहस्य जो मैंने जीवन काल में सुना तो था लेकिन आत्मा क्या होती है कैसी दिखती है आत्मा की यात्रा क्या है आत्मा का भूत वर्तमान और भविष्य और मैं आत्मा हूं सो वही मेरा भूत वर्तमान और भविष्य कहां से आई अब कहां खड़ी हूं और कल कहां जाना है ये है मेरी यात्रा आत्मा की यात्रा वो ऊर्जा जिसने समुंदर की लहर बनकर इस शरीर में प्रवेश किया और लहर बनकर इससे पसार भी हो जाएगी मुझे स्वयं में आत्मिक ऊर्जा लहर के रूप में अनुभव होती है मैं आत्मा
ऊर्जा की लहर हूँ। शांति की लहर, मुझे स्वयं की शांति की लहर महसूस होती है। आई एम वाइब्रेंट, पीसफुल एनर्जी ऑफ लाइट। ओम शांति। इसे कहा जाता है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ज्ञान सुनना, जो बाबा कहते हैं ना, स्वयं को आत्मा समझ बाबा का ज्ञान सुनो। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, आत्मा की जो ज्ञान सुनकर उसकी शिक्षाओं का जो एसेंस है वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस स्थिति में बैठकर सुनेंगे ना तो आत्मा एब्जॉर्ब ज्यादा करती है, राइट? और इसीलिए जब हम शक्तिशाली भोजन खाते हैं तो बॉडी के अंदर ताकत बढ़ती जाती है। तो आत्मा जब शक्तिशाली स्थिति में रहकर सुनती है तो ये आध्यात्मिकता का भोजन जो है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली भोजन होता है। उसे डाइजेस्ट करने के लिए ये प्रोसेस चाहिए। तो ये स्थिति में सुनते हैं तो आत्मा ग्रहण ज्यादा कर पाती है। तो मुरली भी सुननी है तो पहले इस स्थिति में स्थित रहना है। इसीलिए 5:30 से 6 का जो टाइम दिया जाता है ना मेडिटेशन का, तो अपनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। बिकॉज ऐसे ही 6 बजे प्लग इन करके बैठ जाएंगे देन वो स्थिति में नहीं बैठे ना, मुरली की चीजें याद नहीं रहेगी। क्यों मुरली के शब्द याद नहीं रहते? मैं आपको पूछूंगी कि 1 तारीख के मुरली में बाबा ने क्या कहा, याद रहेगा? याद है? याद है? नहीं ना? तो हम आगे पढ़ाई पढ़ते हैं। हमारा पेज नंबर है 221। कपी बेन, सॉरी आपने मुझे पूछा था लेकिन मैं सुबह से इस बाबा के कमरे में आई नहीं थी, माना मेरे क्लास के कमरे में। अच्छा, तो बाबा का ही घर है।
सो मुझे चांस नहीं मिला देखने के लिए, सॉरी। सो 221 पेज से शुरू करेंगे। ऋषिकेश में विश्व शांति के बारे में धर्म सम्मेलन। उसी वर्ष शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण आबू में यज्ञ माता के पास आया था। यह निमंत्रण पत्र शिवानंद जी ने ऋषिकेश से भेजा था। उन्होंने ही उस सम्मेलन का आयोजन किया था। यज्ञ माता ने ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी, संतरी जी, गंगा जी तथा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर को उस सम्मेलन के लिए ऋषिकेश भेजा था। उस सम्मेलन के विषय में ब्रह्मा कुमारी संतरी जी ने बताया कि उस सम्मेलन में विदेशों से भी बहुत से प्रतिनिधि आए हुए थे। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी भाषण किया था, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगा। परंतु सम्मेलन में 2 दिन के कार्यक्रम के बाद तीसरे दिन आए हुए प्रतिनिधियों में झगड़ा हो गया। शायद ये झगड़ा इस कारण हुआ था कि भारत में विभिन्न धर्मों के कुछ देशी प्रतिनिधि विदेशी भाषा में उस सम्मेलन में बोल रहे थे, परंतु कुछ एक हिंदी भाषा भाषी प्रतिनिधियों ने इसका बड़ा कड़ा विरोध किया और आखिर काफी गर्मा गुर्मी हो गई। उस समय शिवानंद जी, जो कि हसमुख और शांतिप्रिय स्वभाव के थे, वहां उपस्थित नहीं थे। हमने मन में सोचा कि देखो, भाषा भेद, देश भेद आदि के आधार पर ऐसे शांति सम्मेलनों में धार्मिक नेता कहलाने वाले लोग भी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकते हैं। धर्म ग्लानि का यह स्पष्ट लक्षण नहीं तो और क्या है? आज पवित्रता और शांति रूपी स्वधर्म को छोड़कर सभी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के वशीभूत हैं। धर्म का तो पहला पाठ ही यही है कि हम सभी आत्माएं हैं और शांति हमारा स्वरूप है। परंतु आज यदि ये प्रतिनिधि लोग भी हिंसा पर उतर आते हैं, तो स्वरूप को भूलकर देह अभिमान तथा क्रोध के वशीभूत आसुरी लक्षण अपनाते हैं, तो स्पष्ट है कि दैवी संपदा का जो प्राय लोप हो चुका है और अब स्वयं भगवान के अवतरण का समय है, आज की स्थिति के बारे में कवि ने ठीक ही तो कहा है कि मानव आज बना है दानव, उसका कितना पतन पराभव। सब है हुए देह अभिमानी, काम क्रोध अब अवगुण खानी। सब में व्याप्ति क्रोध अहम्मद, कर्म वचन मन बिगड़े अनहद। सारी सृष्टि हो चुकी गंदी, माया के पिंजड़े की बंदी। लुप्त प्राय सत धर्म जगत में, दूर हुए हैं सब श्रीमत से। साधु संत विद्वान भ्रमित हैं, वे भी क्रोध वश हुए पतित हैं। कौन करे पतितों को पावन, सिवा तुम्हारे हे परमात्मन। शिवानंद जी से फिर वार्तालाप हुआ। अस्तु, एक दिन शिवानंद जी ने हमसे विशेष वार्तालाप किया। उन्होंने यज्ञ पिता का कुशल समाचार पूछा और कहा कि सचमुच उनका यह कमाल है कि उन्होंने इतनी माताओं कन्याओं का ऐसा उच्च जीवन बनाया है। फिर वह बोले, क्या आप यज्ञ वत्सों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? हमने कहा, नहीं। हमें शिक्षा ही यह मिलती है कि आत्मिक दृष्टि को अपनाना है, दिव्य गुण धारण करने हैं और गुणग्राहक बनना है। हम तो सभी एक ईश्वरीय कुल के सदस्यों की तरह रहते हैं। यज्ञ पिता है, यज्ञ माता है और हम उनके धर्म के बच्चे हैं। हम सभी प्रेम से रहते हैं। शिवानंद जी बोले, कमाल है। मैंने तो यहाँ बहुत यत्न किया है कि माताएं भी यहाँ
आध्यात्मिक लाभ उठाएं। मैंने उनके लिए अलग व्यवस्था भी की है, परंतु 3-4 बार कोशिश करने पर भी मेरा ये प्रयत्न सफल नहीं हुआ, क्योंकि वे आपस में झगड़ ही पड़ती हैं। आप 250-300 माताएं कन्याएं एक साथ ही 14 वर्ष तक इकट्ठी रही, ये एक बहुत बड़ी बात है। दादा ने यह बहुत अद्भुत और सराहनीय कार्य किया है। दादा से कहना कि वह हमें भी कुछ एक माताओं का सहयोग दे जो कि यहाँ माताओं की क्लास का संचालन करें। तब हमने उन्हें बताया कि यह कार्य तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही यज्ञ पिता द्वारा कर रहे हैं। उस सर्वशक्तिवान परमपिता के सिवाय कोई मनुष्य तो यह कार्य ही नहीं कर सकता। उस प्रभु ने ही हमारा जीवन ऊंचा बनाया है। उस सम्मेलन में भी हमने सभी लोगों को ईश्वरीय साहित्य, निमंत्रण पत्र आदि अपना पता बता दिया था। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा करके हम आबू वापस लौट गई। इधर दिल्ली में इन दिनों ब्रह्मा कुमारी बहनों को एक माता ने लाला जगन्नाथ जी की धर्मशाला के निकट ही अपने घर में आमंत्रित किया, और अब वे वहां ही सत्संग करती थी। सत्संग में आने वाले भाई बहन अब ईश्वरीय ज्ञान पर बहुत ही मुग्ध हो गए थे। परंतु ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा दादी जी कहती हैं कि हमें अब यज्ञ में लौटने का संकल्प प्रबल रूप से आया, क्योंकि वहां से निकले हमें लगभग 2 मास हो चुके थे। अब हमारे लौटने की घड़ी आई। तब सत्संग में आने वाले भाई बहनों का मन यह सोचकर बहुत उदास हो गया था कि अब हमें यह ज्ञान सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु हमें तो जाना ही था। इस प्रकार हम कुछ दिन दिल्ली में अलौकिक सेवा करके और अपने उस निमंत्रण का समय पूरा करके वापस आबू लौट गई। दूसरे यज्ञवत्स भी इसी प्रकार कुछ एक दिन से ज्ञान सेवा करके लौट आए। बाबा ने देखा कि ये थोड़े से दिन कुछ ही आत्माओं की सेवा कर वापस लौट आई है। जैसे छोटे बच्चे घर में ही रहने में खुश रहते हैं और घर से निकलकर धंधा करना इन्हें पहले पहले अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने भी देखा कि वैसे ही सभी यज्ञवत्सों को दूसरी आत्माओं की ज्ञान सेवा करने का इतना शौक नहीं था। अब बाबा ने हमें फिर से मनुष्य आत्माओं के प्रति उपकार तथा करुणा की भावना भरना शुरू किया। बाबा कहते, बच्ची, अब आपको केवल अपने दैहिक संबंधियों की ज्ञान की सेवा नहीं करनी है, बल्कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि में है, ये सभी ही तो आत्मिक नाते से आपके संबंधी हैं। अतः इन सभी पर ज्ञानामृत की वर्षा करके इन्हें निहाल करना है। बच्ची, अंधों की लाठी बनना है। यह ठीक है कि आपके जो मित्र संबंधी शुरू में आपका विरोध करते थे और जिन्होंने आप पर अत्याचार किए थे, उनको आपने ईश्वरीय संदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। परंतु आप ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है कि वास्तव में सारे भारत को पावन करना है। नदियां एक जगह ठहरती नहीं है, बल्कि नगर नगर से बहती हुई जन जन की प्यास बुझाती हैं। अतः आप जाओ और भारत के नगर नगर में विकारों से तृप्त हुई आत्माओं की सुख शांति की प्यास इस ज्ञान अमृत से तृप्त करो। अतः बाबा ने इन जोरदार महावाक्यों को सुनकर हम कुछ बाबा के इन जोरदार महावाक्यों को सुनकर हम कुछ दैवी बहनों ने बैठकर ईश्वरीय सेवा की योजनाएं बनाई। बाबा का विशेष ध्यान भारत की राजधानी अर्थात दिल्ली पर था। बाबा कहते हैं कि यहां से ही सतयुगी राज्य की कलम लगनी है। इसी बीच दिल्ली के कुछ एक बहनों और भाइयों ने, जो कि हमारे सत्संग में आया करते थे,
यज्ञ माता और यज्ञ पिता को एक पत्र लिखा कि हम ज्ञान अमृत के बिना तड़प रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें छोड़कर वापस आपके पास आ गई हैं। उन्होंने बाबा से अनुयाय किया कि ब्रह्मा कुमारी बहनों को वापस ज्ञान अमृत की वर्षा करने के लिए भेजा जाए। अतः अब बाबा ने हमें फिर से जाने के लिए प्रेरित किया। हम कुछ एक दैवी बहनों ने मिलकर ईश्वरीय सेवा की योजनाएं बनाई। आखिर हम फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी, जो कि वर्तमान समय अंबाला में ईश्वरीय सेवा में तत्पर थी और जिन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई थी, वो लिखती है कि जब हम दिल्ली में पहुंची तो सत्संग की कई माताएं तथा कई भाई हमारे स्वागत के लिए आए थे। उन्होंने हमारे ठहरने के लिए प्रबंध तो पहले से ही कर रखा था। अतः अब फिर से हमने ईश्वरीय ज्ञान की क्लास प्रातः तथा सायंकाल प्रारंभ कर दी और दिल्ली के कई क्षेत्रों में तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि धार्मिक स्थानों पर भी हमारे प्रवचन समय समय पर होते थे। कुंभ के मेले पर एक और ज्ञान गंगा, दूसरी और जल गंगा। उन्हीं दिनों में हमें अलाहाबाद में कुंभ के मेले में जाने का निमंत्रण मिला। जो दैवी बहनें कलकत्ता में गई हुई थी, उनके सत्संग में आने वाले किसी जिज्ञासु ने वहां की ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए व्यवस्था करा दी थी। दिल्ली में भी बहनों के संपर्क में एक शास्त्री जी आए थे। उन्होंने भी वहां के अलाहाबाद में पधारकर भाषण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अतः बाबा ने बहुत सी बहनों को कुंभ के मेले पर आत्माओं की ज्ञान सेवा के लिए भेजा था। ब्रह्मा कुमारी ब्रज शांता जी, जो कि आजकल पूना के सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान तथा योग की शिक्षाएं देती हैं, वो लिखती हैं कि उस मेले पर लाखों नर नारी आए थे। अनेकानेक सन्यासियों, शास्त्रियों और आचार्यों ने प्रवचन के लिए अपने अपने यहाँ व्यवस्था की हुई थी। हमें उनमें से प्रायः सभी ने भाषण के लिए निमंत्रण दिया था। उनमें से एक प्रमुख साधु प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, जिन्हें हमें 2-3 बार अपने मंच पर भाषण करने का अवसर दिया था। प्रतिदिन कई स्थानों पर हम भक्त लोगों को ईश्वरीय संदेश देती थी। हमें बहुत से ऐसे जिज्ञासु भी मिले थे जिन्होंने हमें स्वेच्छा से और अपने ही खर्चे से हमें ईश्वरीय निमंत्रण तथा अन्य कई फोल्डर आदि आदि छपवा कर दिए थे। इस प्रकार के कई लाख ईश्वरीय निमंत्रण पत्र तथा फोल्डर हमने नर नारियों को दिए। उनमें परमपिता परमात्मा के अवतरण की सूचना तथा आने वाले समय की पहचान दी गई थी। हम अपने प्रवचनों में लोगों को कुंभ तथा संगम का वास्तविक परिचय भी देते थे। हम उन्हें बताती थी कि वास्तव में कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संधि समय ही संगम अथवा पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में आकर माताओं कन्याओं को ज्ञानामृत का कलश अथवा कुंभ देते हैं, वही माताएं कन्याएं ही ज्ञान गंगा, ज्ञान यमुना और ज्ञान सरस्वती बनकर भारत के नर नारियों को ज्ञान जल अथवा ज्ञानामृत द्वारा पतित से पावन बनाने का कर्तव्य करती है। उसी की याद में गंगा, यमुना, गुप्त सरस्वती नदी के संगम पर आज तक लोग कुंभ का मेला मनाते हैं। अब फिर वही संगम युग चल रहा है। परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम गंगा, सरस्वती आदि कन्याओं माताओं को ज्ञान अमृत का कलश दिया है। आप उस ज्ञान स्थान के द्वारा अब स्वयं को पावन कर पुण्य के भागी बन सकते हो। यह जल तत्व तो केवल शरीर को ही पावन कर सकता है, आत्मा इससे पावन नहीं होती है। आत्मा ज्ञान स्नान से पावन होती है, परंतु लाखों मनुष्यों में से किसी विरले ही मनुष्य की बुद्धि में यह बात धारण हुई। हमने देखा कि साधुओं, सन्यासियों ने भोली भाली जनता को
खूब अंधश्रद्धा में फंसा कर रखा है। लोग जल में ही स्नान करके आत्मा को पावन हो गया वो मानते हैं। वे जय गंगा मैया बोलकर ही अपने कर्तव्य की पूर्ति समझ लेते हैं। उन्हें कहीं भी ज्ञान गंगा में स्नान करने, दिव्य गुणों की स्पष्ट शिक्षा नहीं दी जा रही थी, बल्कि हर जगह कुंभ के मेले का माहात्म्य, गंगा स्नान से होने वाले पुण्य तथा संगम के फल का ही बखान किया जा रहा था। स्वयं सन्यासी जगतगुरु साधु आदि जो कि आत्मा को निर्लेप मानते हैं, भी पावन होने के विचार से डुबकी लगा रहे थे। बल्कि उनमें होड़ लगी थी कि पहले कौन सा साधु संप्रदाय स्नान करेगा और फिर कौन सा साधु संप्रदाय स्नान करेगा। और इसी होड़ तथा जनता की अनियंत्रित भीड़ भाड़ के परिणाम रूप वहां एक पुल भी टूट गया था और कई लोग भाग दौड़ में मरे भी, और पुल टूटने से दुर्घटना और मृत्यु के शिकार भी हुए। परंतु फिर भी मनुष्यों ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। हम उन्हें कहती थी, विकारों में न फंस बंदे, अगर ईश्वर को पाना है, विकारों में न फंस बंदे, अगर सतयुग में तुम्हें जाना है। आपको भुलाया, बाप को भुलाया, अकेला ही तू आया था, अकेला लौट जाना है। विकारों में न फंस बंदे, अगर वैकुंठ में जाना है। आया था पाठ बजाने, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने, तू फंस गया मोह माया में, इसी को घर बना बैठा है। विकारों में न फंस बंदे, अगर तुम्हें मुक्ति को पाना है। माया से नाता तोड़ो, ईश्वर से नाता जोड़ो, बनो तुम शूद्र से ब्राह्मण, अगर तुम्हें सतयुग में जाना है। विकारों में न फंस बंदे, अगर तुम्हें मुक्ति को पाना है। परंतु वे सुनी बात को अनसुनी कर देते थे, क्योंकि वे तो आत्मा को निर्लेप मान बैठे थे और स्वयं को कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते थे, बल्कि गंगा को ही उन्होंने पतित से पावन बनाने का कर्तव्य देकर रखा था। भारत की भोली जनता की ये दशा देखकर हम कन्याओं माताओं के मन में बहुत करुणा का उद्वेग होता था। हम बहुत सोचती थी कि हम इन्हें अंधश्रद्धा के गर्ते से कैसे निकालें और तत्व भक्ति की जंजीरों से कैसे छुड़ाएं। हम कहती थी, हाय भारत की जनता, तुम्हारा कैसा हाल हो गया है? करोड़ों रुपये, समय तथा शक्ति इन वृथा मेलों में पर वृथा ही तो जाती है, जबकि दूसरी ओर करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। स्वतंत्र भारत की सरकार भी इस अंधश्रद्धा के पोषण में अपना हाथ देती है, क्योंकि उसे भी विशेष रेलगाड़ियां चलाकर तथा यात्री आदि लेकर करोड़ों रुपयों की कमाई होती है। हाय, कोई भी इन्हें स्पष्ट शब्दों में सच्ची बात बता ही नहीं पाता। मनुष्यों का एक अथाह समुद्र वहां उमड़ रहा था। कुछ ही दिनों में लोग लौट गए, यात्रा के कष्ट झेल कर, धन खर्च के करके वे लोग आए थे, परंतु उन्होंने प्राप्त क्या किया? हमारे मन में बहुत दया आती थी कि हम कन्याएं माताएं ही अब भारत में जन जन की अथक ज्ञान सेवा करें। इस प्रकार लोगों के संकल्प में संपर्क में आने से हमें संसार की हालत का और अच्छी तरह से पता लग गया। हमने अनुभव किया कि सचमुच आज दुनिया की ऐसी हालत हो गई है और आज इंसान अंधश्रद्धा, तत्व पूजा तथा गुरुड़म की जंजीरों में ऐसी बुरी तरह से जकड़ चुकी है कि उसे इनसे मुक्त करना किसी मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर की बात है। स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ही
इन्हें ज्ञान की गहरी नींद से जगा सकते हैं। सचमुच परमपिता परमात्मा का इस समय जो अवतरण हुआ है वो बिल्कुल ठीक समय पर हुआ है। अतः हमें ये शब्द याद होकर आते थे, धर्मों के बाजार में है धर्म खो गया, गुरुओं की भरमार में है ज्ञान खो गया, सुख दुख की दौड़ होड़ में है सुख भी खो गया, निराश और अनाथ बन मनुष्य रो रहा, प्राण प्राण में दुखों की लग रही अगन, फिर से जग में आ गई है शिव पतित पावन, आ गए हैं संतों साधुओं को तारने, आ गए हैं भक्त जन के दुख निवारने, आ गए हैं पापियों को फिर उद्धारने, आ गए हैं बिगड़े भाग्य को फिर सवारने, आ गई प्रभात करती रात का हरण, फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन। एक और देश और धर्म की हालत को देखकर और दूसरी ओर परमपिता परमात्मा के वर्तमान समय हुए दिव्य अवतरण को जानते हुए हम वहां सभी मनुष्य आत्माओं को स्नेह से और उनकी शुभ चिंतिका होकर कहती थी, उठो अब रात बीत चली प्रभात देख लो, उठो कंगाल सिर पे अपने दोहरा ताज लो, युगों की आश मन की मानी आज तृप्ति लो, मनुष्य सारे बंधनों से आज मुक्ति लो, भारत आ गए हैं करने भग सॉरी भगवान आ गए हैं करने आशा को पूर्ण, फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन, ये वक्त की पुकार है पवित्र अब रहो, ये जिंदगी का सार है शिव के हो रहो, विष का लेन देन आज अब ही छोड़ दो, अंत का ये काल अब तो राह मोड़ दो, बढ़ते आ रहे हैं महामृत्यु के चरण, फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन। वे हमारे इस ईश्वरीय संदेश पर ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि वे तो गंगा जल में डुबकी लगाने से ही पावन होने की आशा लेकर बैठे थे। फिर भी हम अपना कर्तव्य पालन करने के लिए लोगों को कहती रहती थी, तुम्हें पावन बनने को स्वयं भगवान आए हैं, उठो अब नींद को त्यागो, जगाने आज परमात्मा आए हैं। भागीरथ ब्रह्मा के तन से वे देते ज्ञान है उज्जवल, नहा लो ज्ञान गंगा में यही संदेश लाए हैं, तुम्हें पावन बनाने को स्वयं भगवान आए हैं, उठो अब नींद को त्यागो, जगाने आज आए हैं। ईश्वरीय सेवाओं की स्थापना, सेवा केंद्रों की स्थापना। अब दिल्ली में तो एक ईश्वरीय सेवा केंद्र कमला नगर में स्थापित हो गया था। इधर जो ब्रह्मा कुमारी बहने इलाहाबाद में गई थी, उन्हें वहां कानपुर में आकर ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देने के लिए निमंत्रण मिला था। कानपुर में जब उस निमंत्रण पर जाना हुआ तो वहां के एक प्रसिद्ध व्यक्ति बाबू हरविलास राय के वो संपर्क में आए। वह वहां के एक उद्योगपति थे। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं जैसे कि आर्य समाज, गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटी, आलूवालिया बिरादरी आदि आदि कमेटी के मान्यवर सदस्य तथा प्रधान भी आ चुके थे और उनके यहाँ प्रायः साधु संत आकर प्रवचन करते तथा ठहरा करते थे। उनकी धर्म पत्नी ने तथा उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा और अपने ही विशाल बंगले का एक भाग इसी ईश्वरीय सेवा अर्थ बहनों को रहने के लिए दिया। अतः वहां भी ईश्वर सेवा केंद्र खुल गया। उससे कुछ ही समय पहले लखनऊ में भी ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी तथा ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी वहां के लोगों के निमंत्रण पर ज्ञान के सेवार्थ गई थी और वहां भी ईश्वरीय सेवा केंद्र स्थापित हो चुका था। इस प्रकार अब लोगों के निमंत्रण पर स्थायी सेवा केंद्र स्थापित हो गए और जनता ही स्वेच्छा से आपसी आर्थिक सहयोग से
उन सेवा केंद्रों को कायम रखकर दिन प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग से लाभ उठाने लगे। शीघ्र ही गुड़गांव, मेरठ, सहारनपुर आदि में भी वहां वहां के लोगों ने निमंत्रणों पर ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए। लखनऊ और कानपुर में भी जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ने लगी। सभी स्थानों पर अच्छे अच्छे कुलों के लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभ उठाने के लिए आने लगे। जो भी जिज्ञासु वहां पर आते थे उनसे एक परिचय पत्र तथा प्रश्न पत्र भी भराया जाता था, ताकि उन्हें भी यह मालूम हो सके कि वे किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं और यहाँ उन्हें क्या प्राप्ति होगी। उन द्वारा लिखे गए उत्तरों को लिखकर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से समझाया जाता था। आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा तथा ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी, जो कि वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह प्रशासिका थी, वो लिखती हैं कि अब जो लोग ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर नित्य प्रति ज्ञान लेते थे तथा योगाभ्यास करते थे, उनके जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव हुआ तो उनके मन में उमंग पैदा हुआ कि अब हमें उस आत्मा के, उस पिता परमात्मा शिव से मिलना है। उनके मन में विचार उठा कि जब इन ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन इतना पवित्र और शांति संपन्न है, तो स्वयं ब्रह्मा बाबा का जीवन अत्यंत निर्मल और दिव्य गुण संपन्न होगा, संपन्न तो होगा ही। फिर यह बहनें जो कहती थी कि ब्रह्मा बाबा के साधारण एवं वृद्ध मानवी तन में सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा तथा अर्थात शिव बाबा आते हैं और वही ब्रह्मा के मुखारविंद से ज्ञान देकर परम धाम लौट जाते हैं, तो यह कौतुक तो अवश्य ही हमें देखना चाहिए। संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्या और कोई बात हो सकती है। त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, सूर्य तारागण से भी पार, परम धाम से हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने और पतित से पावन बनाने का उच्च कर्तव्य करने नित्य प्रति आते हैं, तो यह जो थोड़ा सा फासला हमारे इस नगर से आबू तक का है, यह उस फासले के सामने तो कुछ भी नहीं है, जबकि हमने इस ज्ञान की प्राप्ति द्वारा उसे जाना है, उसे पहचाना है और उसे माना है, तब हम तो एक सेकंड भी उनसे मिले बिना नहीं रह सकते हैं। अरे, जिस पिता को जन्म जन्मांतर से पुकारते आए, मंदिरों में, गुरुद्वारा में, तीर्थों में, पर्वतों की गुफाओं में, निर्जन जंगलों में और हृदय की गुह्यता में ढूंढते थे, अब वह हमारे मन का सच्चा मित्र, वह प्रियतम प्रभु आ गया है, तो हम उससे मिले बिना एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं? उसका परम धाम से आना तो हमारे लिए आह्लाद का विषय है और हमारा मन तो इस तन की रेल यात्रा के लिए भी नहीं रुकना चाहता, बल्कि वह तो आकाश मार्ग से वायु यान की रफ्तार से उड़ने का धीरज भी अब नहीं कर सकता, वह तो सीधे ही वहां पहुंच गया है। परंतु यहाँ तन भी अब वहां यहाँ पड़ा रहना नहीं चाहता है, इसके रोम रोम में अब एक नशा सा बस रहा है और यह भी मन का ही साथ देना चाहता है और लपक कर अपने उस प्रभु का हो जाना चाहता है। अतः वे जिज्ञासु ब्रह्मा कुमारी बहनों से कहते थे, बहन जी, अब हम अधिक इंतजार नहीं कर सकते, हमने इस ज्ञान को समझने में ही इतना समय लगा दिया है, हमें तो यह समय भी अखर रहा है। ईश्वरीय यज्ञ में जाने के लिए के नियम क्या है? परंतु वो कहती थी, अभी आप बाबा से मिलने नहीं जा सकते,
वहां यज्ञ में वही जा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। बाजार में बनी हुई चीजें तथा तामसिक पदार्थ न खाता हो, धूम्रपान न करता हो। जिसने अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन तथा पवित्रता लाई हो, अपनी दृष्टि तथा वृत्ति को शुद्ध बनाया हो और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो। हमें शिव बाबा की आज्ञा है कि उनसे मिलने के लिए केवल उन्हीं को ले जाया जा सकता है जो सपूत बच्चे हो और जिन्होंने आत्मा के पिता को पहचाना हो। जिज्ञासु पूछते थे, बहन जी, सपूत बच्चा किसे कहा जाता है और निश्चय बुद्धि के क्या चिन्ह और लक्षण होते हैं? बहने कहती थी, सपूत बच्चा वह है जो बाप की आज्ञा पर चलता है। बाप की आज्ञा ये है कि मन, वचन, कर्म से पवित्र बनो और योग युक्त बनो। पवित्रता में ब्रह्मचर्य का पहला स्थान है, क्योंकि उसके बल से ही दूसरे मनोविकारों पर जीत पा सकते हैं और उसी के आधार पर ही आत्मा का योग भी परमात्मा से लग सकता है। जो इस पहले नियम का पालन करता है तथा अपना आहार व्यवहार शुद्ध करता है, वही शिव बाबा का आज्ञाकारी, सपूत तथा योग्य बच्चा है और वो ही बच्चा शिव बाबा से मिल सकता है। ज्ञान में निश्चय होने का प्रमाण मनुष्य के निजी आचरण से मिलता है। यदि किसी मनुष्य को इस ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय होगा, तो उनके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आया होगा। उन्होंने अपने तमोगुणी स्वभाव को बदला होगा, खराब आदतों को छोड़ा होगा और अब वह ज्ञान के नियमों के अनुकूल चलता होगा। कई जिज्ञासु कहते, बहन जी, हमें तो बहुत सी बातों में निश्चय है, सिर्फ कुछ एक में नहीं है। वहां आबू जाकर शायद वो भी निश्चय हो जाएगा। अन्य कहते थे, बहन जी, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो अवश्य आया है, परंतु हमारे संस्कार ऐसे कड़े हैं कि हम इस काम महाशत्रु पर विजय नहीं पा सकते। आप हमें आबू में बाबा के पास लेके जाओ, शायद वहां जाकर उनसे सम्मुख मिलने पर हम अपने इस संस्कार को ठीक कर लाएंगे। तब ब्रह्मा कुमारी बहने कहती थी, ब्रह्मचर्य व्रत से ही बुद्धि दिव्य होती है, ज्ञान ही दिव्य चक्षु है। दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं हुई होगी तो वो परमपिता परमात्मा के पवित्र ज्ञान रूपी अमृत को धारण कैसे कर सकोगी? ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो मन रूपी आंख प्रभु को कैसे देखेगा? मैं वापस पढ़ती हूँ, बहुत सुंदर है कल्पना। ज्ञान रूपी प्रकाश अगर नहीं होगा तो मन रूपी आंख प्रभु को नहीं देख सकेगी। अतः पहले आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पहले अपनी बुद्धि को दिव्य बनाओ और ईश्वरीय ज्ञान की अच्छी तरह धारणा करके निश्चय बुद्धि बनो, तभी हम आपको ले चलेंगे। ब्रह्मचर्य की धारणा न होना ही इस बात का प्रमाण है, अभी तक आप में स्त्री और पुरुष का भान है, अर्थात अभी तक आपकी देह दृष्टि है और आप आत्मा को देखने की बजाय शरीर को देखते हैं और स्वयं को भी शरीर ही मानते हैं। देह दृष्टि और देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा को भी देह ही देखोगे। आप आत्माओं में से परम, जो परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, उन्हें तो आप देख ही नहीं सकेंगे। देह बुद्धि होने के कारण आपकी बुद्धि ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ नहीं सकती है और सूक्ष्मातिसूक्ष्म
परमात्मा को तो पहचान सकती ही नहीं है। अतः अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा नहीं की होगी और हम आपको आबू बाप दादा के पास लेके जाएगी तो हमें दंड मिलेगा। जिज्ञासु कहते हैं, बहन जी क्या बाबा दंड भी देते हैं? बहन जी हमारा तो यही निवेदन है कि आप हमें ले चलिए, शायद वहां पर जाने से हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारी बहने कहती है, निश्चय तो ज्ञान से पक्का होता है। ज्ञान बुद्धि में तभी धारण होता है जब मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और अन्न दोष और संग दोष से बचता है। अतः पहले आप इन नियमों का पालन करो ताकि आपके निश्चय की नींव पक्की हो। यदि आप परमपिता परमात्मा से मनोमिलन मनाने के लिए और उससे परम आनंद और अवर्णनीय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकते हो, काम रूप विष को नहीं छोड़ सकते हो, तो हम आपको बाप दादा के पास ले जाने के लिए असमर्थ हैं। आप इतनी अनमोल चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन उस अनमोल चीज को पाने के लिए इस काम रूपी दुखदायक चीज को भी नहीं छोड़ सकते हो। इससे तो स्पष्ट हो गया है आपने अभी तक ये ज्ञान ही नहीं समझा है। हम आपको लायक बनाकर यज्ञ में ले जाना चाहते हैं क्योंकि अपवित्र आत्मा को वहां ठहरने की मना है। हंसों में बगलों का बैठना अच्छा नहीं लगता है। वहां के शुद्ध वातावरण को बिगाड़ने का दोषी हम आपको नहीं बना सकते। हम आपको नहीं बनाना चाहती हैं। आप पहले बुद्धि रूपी कलश को काम रूपी विष से खाली कर दो, इसे ज्ञान रूपी अमृत से भरो, तभी हम आपको उस सर्वोच्च पिता के पास ले चलेगी, वरना हमें भी दंड मिलेगा। बाबा ने कई मुरलियों में बताया है कि अगर ब्राह्मणी किसी को भी बाबा के सामने ले जाती है तो उसका दंड जो है वो आत्मा से ज्यादा ब्राह्मणी पर पड़ता है, माना टीचर पे पड़ता है। टीचर बिना चेकिंग के किसी भी आत्मा को बाप दादा के सामने नहीं ले जा सकती है। तो इसलिए जब बाप दादा की पधरावनी होती है तो फॉर्म भरते हैं और स्ट्रिक्टली सब चेकिंग करने के बाद ही अलाउ किया जाता है, वरना टीचर को दंड पड़ता है क्योंकि वो पाप की भागी बनती है ना। क्योंकि हमने पूछा था, मतलब शायद मैंने पूछा था कि ऐसे कैसे होता है कि पाप की धागी कैसे बनते हैं, जैसे वो जिज्ञासु ने पूछा था। तो क्या होता है कि आत्मा को, चलो टीचर कोई सॉफ्ट हार्टेड होगी और उसने कहा कि चलो जाने दो, उसका फायदा हो जाएगा, उसको भगवान मिल जाएगा, उसको जरा बाबा के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि हर टीचर भी नंबरवार होती है। अगर उसने उसे अलाउ किया और वो बाबा के सामने बैठा, तो सबसे पहले बुद्धि, जो इसमें कहा गया ना दादी, क्योंकि दादी जानकी ना बहुत रिफाइंड बुद्धि वाली थी, तो जैसे दादी ने बताया कि जब आत्मा ने वो पवित्रता की धारणा नहीं की है ना, तो बाबा सामने होते हुए भी जीरो अनुभव, नो एक्सपीरियंस, मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। फिर बाबा आएंगे और उनकी आंखें यहाँ 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 घूमती है, तो ये कहा, ये कह देता है कि आत्मा के ऊपर पाप का बोझा है, वरना बाबा से तो नजर नहीं हटनी चाहिए, अनुभव में आत्मा लीन हो जानी चाहिए, है ना। भगवान सामने बैठा हो और हम आजू बाजू वाले को देख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? बुद्धि में दिव्यता नहीं है ना। तो वो जो होता है वो धारणा न करने से होता है, और वो जो आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ता है तो ब्राह्मणी के ऊपर भी बोझ चढ़ता है। तो ये जो सूक्ष्म बातें हैं, वो महीन बातें जो है, उस महीन बुद्धि के लिए ये धारणाएं आवश्यक होती हैं। तो धारणाएं, जो भी बाबा ने धारणाएं बताई हैं, उसके पीछे बहुत सूक्ष्म में रहस्य है, और वो सूक्ष्म रहस्य वो ही समझ पाएगी जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धि उसी की सूक्ष्म होती है
जिसने बाबा के हर श्रीमत का पालन किया है, तो उनके क्वेश्चन से पता चलता है कि बुद्धि में कितनी सूक्ष्मता है ना। इट्स वेरी सटल। तो बाबा तो फिर दादी कहते हैं, जानते हो ऐसी कच्ची अवस्था वाले जिज्ञासुओं लाने वाली ब्रह्मा कुमारी के लिए बाबा क्या बोलते हैं और उसे दंड क्या दंड देते हैं। बाबा इस विषय में एक प्रसिद्ध आख्यान सुनाते हैं। वो आख्यान ये है कि एक परी मृत्यु लोक के किसी मनुष्य को देवलोक में अथवा इंद्र की सभा में ले गई। वहां दूसरे देवी देवताओं के मन में ऐसा महसूस हुआ कि आज इस सभा में मनुष्य का कोई विषयी व्यक्ति इसी तरह आकर बैठा है। अतः सभा में वायुमंडल बिगड़ने के कारण थोड़ी हलचल हो गई। आखिर फिर इंद्र ने पूछा कि कौन परी इस विकारी दृष्टि अथवा अशुद्ध वृत्ति वाले मनुष्य को इस इंद्र सभा में लेकर आई है। आख्यान में बताया गया कि इंद्र ने उस मनुष्य के साथ परी को भी सभा से निकाल दिया और वह परी मृत्यु लोक में एक वृक्ष बन गई। बाबा यह आख्यान सुनाकर समझ जाते हैं कि यह आख्यान इसी इंद्र सभा के बारे में है। ज्ञान और योग के परों से युक्ति ज्ञान और योग के परों से युक्त व्यक्ति जो इस कलयुगी मृत्यु लोक के किसी वासना युक्त मनुष्य को यहाँ शिव बाबा के पास तथा ब्रह्मा बाबा के पास अर्थात ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले इंद्र की सभा में अगर वो ले आता है, वह यहाँ की यही के पवित्र तपस्या से निर्मल हुए वातावरण को बिगाड़ने का दोषी बनता है और इस पाप का दंड भोगता है। यो कोई मनुष्य कभी भी वृक्ष तो नहीं बनता है, परंतु बाबा कहते हैं कि वह यज्ञवत्स वृक्ष की तरह अवाक अथवा मूक माना गूंगा बन जाता है। अर्थात यह सांसारिक बातें भले ही कर ले, परंतु यू ईश्वरीय ज्ञान वो नहीं बोल सकता है। अतः हम आपसे कहती हैं कि आप पहले उस सच्ची सच्ची इंद्र सभा में जाने के पहले योग्य बनो। पहले आप मोती चुगने वाले गुण ग्राहक हंस बनो। इस प्रकार जिज्ञासुओं को पवित्र बनने की प्रेरणा भी मिलती थी और उन्हें यह सोचकर खुशी भी होती थी कि इस सत्संग अथवा यज्ञ के कुछ नियम हैं और ये ब्रह्मा कुमारी बहनें नियमों पर बहुत डड रहती हैं। कुछ जिज्ञासुओं तो पवित्रता की धारणा के लिए पुरुषार्थ करते थे और कई तो हताश होकर फिर ज्ञान को छोड़ देते थे। वे कहते थे, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, यहाँ के नियम बहुत कठिन हैं, हम इन पर नहीं चल सकते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम इस एक जन्म में प्रभु के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। काम विकार तो है ही नरक का द्वार, इसे छोड़ना क्या कठिन है, जबकि इसे छोड़ने से हमें प्रभु मिलते हैं। तो इसे तो हमें एक सेकंड में उसको छोड़ देंगे। अन्य कोई जिज्ञासु कहते थे, बहन जी हम तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, हम कम से कम एक मास से तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रहे हैं, हमारा खान पान भी अभी शुद्ध है, हमारे संस्कारों में भी अभी परिवर्तन आए हैं, हमारे कुटुंबी तथा हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी इसके गवाह हैं, अतः आप हमें अभी अपने साथ ले चलो, हम आपको लिख कर देते हैं कि हमें पूर्ण निश्चय हो चुका है। अब उस बाप को मिलने के लिए हमारा मन तड़प रहा है। ऐसे जिज्ञासुओं को बहने यज्ञ में बाप दादा और यज्ञ माता के सामने फिर ले जाती थी। यज्ञ माता और यज्ञ पिता परमात्मा से आत्माओं का अनोखा मिलन। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी कहती हैं कि जब अपने अपने नगर से जिज्ञासु रेलगाड़ी में सवार होते थे तो उनकी मनोवस्था अजीब सी होती थी। उनकी बुद्धि में बस यही विचार होता था
कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तथा सरस्वती मैया से मिलने जा रहे हैं। जैसे स्टेशन गुजरता जाता था, उनके मद की उत्कंठा बढ़ती जाती थी। आबू रोड जाकर जब वे उतरते थे तो उन्हें सामने से पहाड़ सामने बहुत बड़े पहाड़ दिखाई देते थे और वे सोचते थे कि बस अब तो ऊपर बाबा हमारा इंतजार में ही होगा। न जाने उनके मन में एक अपनापन सा क्यों महसूस होता था और मिलने से पहले ही यह भाव क्यों उमड़ पड़ता था कि हम अपने सच्चे बाप से के पास अथवा अपने घर जा रहे हैं। उन्हें एक अजीब सा आकर्षण अनुभव होता था। आखिर वे ऊपर आबू पर्वत पर यज्ञ में जाकर पहुंचते थे और बाबा द्वारा पहले ही यज्ञवत्सों को आदेश होता था कि आने वाले जिज्ञासुओं को आपको कहाँ ठहराना है तथा उनकी कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते थे, मेरे सिकिलधे बच्चे आए हैं, कल्प से बिछड़े हुए बच्चे आन मिले हैं, देखना इसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है और कितना थका दिया है। अब यह बाप के घर पर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने के लिए, अतः इन्हें स्थूल और सूक्ष्म सभी सुविधाएं देना। तो आज हम यही विराम करते हैं, पेज नंबर 241। और जैसे पुस्तक में है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलन मनाने जाती है तो उसके दिल में क्या क्या भावनाएं उमड़ती हैं। हम उसका अनुभव करेंगे। कुछ पल के लिए अपने आप को उस समय के दौर में ले जाओ जब ब्रह्मा बाबा अपने अंतिम शरीर में इस धरा पर थे और शायद मैं ही भी अपने किसी शरीर में उस समय उन्हीं के आसपास थी। मेरे कदम मधुपन की ओर बाबा से मिलन मनाने के लिए उत्सुक हैं। मधुबन के द्वार पर मैं अपनी बैग को लेकर कुछ दूर खड़ी हूं। और दरवाजे से अपनी दोनों बाहें पसार कर अन्य यज्ञ वत्सों के साथ बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मधुबन मेरा घर,
मेरी तपस्या का फल। मेरे अंग अंग में रोमांच, बाबा को सामने देख, बाबा के नैनों को देख, मेरी तरफ उमड़ता बाबा का प्यार, बाबा के शब्द, 5,000 वर्ष से बिछड़ी मेरी बच्ची आई, मेरा बेटा आया है, सपूत बेटा, आओ बच्ची, मैं बाबा के और खींचती चली जा रही हूं। बाबा मुझे आहोश में ले रहे हैं, और बाबा की आहोश में मुझे अजीब सा अपनापन महसूस होता है। मुख से निकलता है मेरा बाबा, मेरा चेहरा उठाते हुए बाबा बोले, मेरी बच्ची, मेरी बिछड़ी हुई बच्ची आ गई, बस कुछ पल के लिए मुझे इसी आहोश में रहना है। बाबा का हाथ मेरे सर पर, जैसे जन्नत की खुशियां मिल गई हो, बच्ची बाबा तुम्हारा सदा साथ है, तुम्हारे लिए बाबा की बहुत बहुत प्लान्स हैं। बाबा ने तुम्हारे भविष्य के प्लान बना चुके हैं। बहुत कुछ करना है बच्ची तुम्हें, दुनिया बहुत बड़ी है और सेवा अभी बहुत बाकी रही है। बच्ची बाबा को मदद करोगी, बाबा ने अपना हाथ मेरे सामने फैलाया, और
बाबा के हाथों में हाथ देकर मैं बोली, बाबा मैं जरूर करूंगी। दिल से करूंगी, सत्यता से करूंगी। निष्काम भावना से करूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची अभी रात हो गई है, जाओ आराम करो। और बाबा से छुट्टी लेकर मैं वापस आ गई।